रिकॉर्डिंग क्लास रेगुलर करूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, छोटा सा चीज पढ़ते हैं। आप सांस लेते हैं क्या एटमॉस्फेयर से? जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन, सांस लेने को इनहेलेशन कहते हैं। जब हम करते हैं इनहेलेशन तो इस समय एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर मेरे नाक में घुस जाएगी कि नहीं घुस जाएगी? मेरे नाक से होते हुए मेरे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाएगी, मेरे रिस्पायरेटरी ट्रैक से होते हुए कहां पहुंच जाएगी ये एयर? वेरी गुड, लंग्स में। तो आपको समझ में आ रहा है कहानी की, समझना। हमने एटमॉस्फेयर में एयर थी, एटमॉस्फेयर में एयर थी, हमने इनहेलेशन किया, एक लंबी सी सांस ली, तो अंदर हमारे बॉडी में अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी एयर? हमारे नोज में जाएगी, नोज से नेसल कैविटी में जाएगी, नेसल कैविटी से आपके आपके फेरिंग्स में से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए आपके ब्रोंकियाइल, ब्रोंकियोल्स, इन सब से होते हुए कहां पहुंच जाएगी? हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी वो एयर? अब आपको पता होगा लंग्स किससे मिलकर बना होता है, मेरी बात ध्यान सुनो, लंग्स किससे मिलकर बना होता है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो तो। लंग्स लिखा हुआ है बच्चा, मुंह से सुना करो, वर्ड को भी सुना करो। एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर हम सांस लेंगे तो मेरी बॉडी के अंदर आएगी और अंदर आकर हमारे लंग्स में चली जाएगी। लंग्स, समझ में आ रही बात, लंग्स में चली जाएगी, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो एटमॉस्फेयर की एयर इनहेलेशन करने से हमारे लंग्स तक पहुंच गई, और जब लंग्स में पहुंच गई हमारे एयर तो लंग्स किससे मिलकर बना है? एल्बुलाई, वेरी गुड। लंग्स में बहुत सारे मेनी एल्बुलाई है, मिनी एल्बुलाई से मिलकर बना है। एल्बुलाई देखने में कैसे होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बलून आपके घर में होता है वैसा, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे बहुत सारे लाखों में एल्बुलाई से मिलकर बना है लंग्स। और एल्बुलाई की वॉल पतली होती है, मोटी होती है, थिन होती है। तो ये मान लो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा एल्बुलाई, ये आपका एल्बुलाई है। तो एयर कहां भर जाएगी? जो एयर होगी एटमॉस्फेयर में, जो एयर थी, ये एटमॉस्फेयर में एयर थी, वो एयर हमारे नाक से होते हुए, हमारे नोजल कैविटी से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंची कि नहीं पहुंची? लंग्स में कहां पहुंची? एल्बुलाई में। एल्बुलाई के अंदर यहां एयर भर गई है कि नहीं भर गई है? देख पा रहे हो लंग्स में एयर भरी है कि नहीं भरी हमारे एल्बुलाई में? और एल्बुलाई के पास से ही एक कौन जाता है, ब्लड वेसल्स होकर गुजरता है। क्या गुजरता है, ध्यान से कहानी समझना, ब्लड वेसल्स, इसको क्या कहते हैं? समझ में आई बात, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या बहता होगा भूषण? ब्लड वेसल में क्या बहता है? ब्लड बहता है, ब्लड मतलब, ब्लड का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब प्लाज्मा, ये सब बह रहा होगा ना? मतलब आरबीसी बह रहा या नहीं बह रहा? और आरबीसी के अंदर क्या होता है जिससे कारण आरबीसी लाल होते हैं? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होगा, होगा ना? और ये आपका ब्लड यहां बह रहा है, और आपकी जो एयर बह रही थी, यार बच्चा डांटना पड़ेगा क्या आप लोगों को? फिर से बोल रहे हैं, बार बार म्यूट करके रखो अपना, मुझे मेरी आवाज आ रही है। तो एटमॉस्फेयर की जो एयर एल्बुलाई के अंदर भरी हुई थी, वो एल्बुलाई की एयर, ये बहुत पतली वॉल होगी कि मोटी होगी? ये बहुत थिन होगी, और थिन होने की वजह से ये एयर यहां से यहां आ सकती है कि नहीं आ सकती है, थिन होने की वजह से? और डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से ये एल्बुलाई में जो एयर भरी है वो एयर यहां पर आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, और ये ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगी और किससे साथ रिएक्शन कर लेगी? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेगी, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रिएक्शन कर लेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का केमिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये ऑक्सी,
हाँ, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ब्लड रुका रहता है या बहता रहता है पूरे बॉडी में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल में बहने लगेगा कि नहीं बहने लगेगा, पूरे ब्लड में ब्लड के साथ साथ बहने लगेगा ऑक्सीजन की नहीं बहने लगेगा, और बहता हुआ ये ऑक्सीजन और ये बहता हुआ ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो ये आपकी सेल है, ये रही सेल, सेल के पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और जैसे पहुंचेगा तो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होगी वो कौन रख लेगा, सेल, सेल हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छिड़ा लेगा, बोलेगा मुझे अपना ऑक्सीजन दे दो तुम, और बदले में हीमोग्लोबिन को क्या दे देगा, ये CO2 दे देगा, CO2 दे देगा, हीमोग्लोबिन बेचारा CO2 ले लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ध्यान से समझना पूरी कहानी की, समझो आपके, आपने एक सांस ली, क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की एयर मेरे नाक में घुसी, नाक से नोजल कैविटी में, नोजल कैविटी से फैरिंग्स में, फैरिंग्स से आपके ब्रंक, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, इन सब से होते हुए लंग्स में पहुंची या नहीं पहुंची, लंग्स, लंग्स में एल्वियोलाई में पहुंची या नहीं पहुंची एयर, और एल्बुलाई में जैसे पहुंची तो एल्बुलाई की वॉल बहुत पतली थी, और एल्बुलाई की वॉल पतली होने की वजह से एल्बुलाई की वॉल से फिर भूषण अपने आप माइक ऑन कर लिया, आपकी माइक की प्रॉब्लम है, एल्बुलाई की वॉल बहुत पतली होने की वजह से, एल्बुलाई की वॉल पतली होने की वजह से यहां से एयर आपके ब्लड वेसल में चला गया, और ब्लड वेसल में पहुंचा तो वहां पर हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड बॉडी में फैला हुआ था, ब्लड के साथ बह रहा है, जैसे बहते बहते ये सेल के पास पहुंचेगा, किसी सेल के पास पहुंचा, ये सेल है, सेल के करीब से निकलेगा जैसे ही ये ब्लड वेसल ब्लड, तो हीमोग्लोबिन में जितनी ऑक्सीजन होगी वो सेल रख लेगी, और बदले में हीमोग्लोबिन को क्या पकड़ा देगी, CO2 पकड़ा देगी, और ऑक्सीजन रख लेगी, CO2 वापस दे देगी, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्लड में बहता हुआ रहेगा कि नहीं बहता रहेगा, और बहता हुआ फिर ब्लड वेसल में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, और जब बहता हुआ यहां से बहता हुआ जाएगा तो एल्बुलाई के पास से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, दोबारा गुजरेगा ना, और जब इस बार गुजरेगा इसके पास से, तो इसके पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी कि CO2 होगी इस बार, तो CO2 होगी, CO2 वापस यहां से कहां चले जाएगी, एल्बुलाई में, एल्बुलाई से लंग्स से होते हुए रिस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए कहां बाहर निकल जाएगी, CO2 एटमॉस्फेयर में, CO2 बाहर रिलीज जाएगी, नहीं निकल जाएगी, इस तरह पूरी घटना आपको समझ में आई, आपके बॉडी में क्या घटना हो रही, कब होती है प्रोसेस, आपके बॉडी में कब होती है, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, कब होती है सारी प्रोसेस, इतनी जितना प्रोसेस का नाम बताए, हमेशा हर समय चल रही है, हर समय आप सांस ले रहे हो, जैसे आप सांस लेते हो आपके बॉडी में एयर अंदर घुसती है, लंग्स में पहुंचती है तुरंत, लंग्स से ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड से सेल के पास जाती है ऑक्सीजन, और सेल उसको CO2 दे देता है, CO2 वापस से ब्लड में आएगा, ब्लड से लंग्स में आएगा, और लंग्स से CO2 बाहर निकल जाएगा, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, आप दिन भर ऑक्सीजन लेते रहते हो, CO2 बाहर निकालते रहते हो, लेते रहते हो, देते रहते हो, ये प्रोसेस चलती रहती कि नहीं चलती रहती, हर समय चलती रहती। इसमें से जो एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स तक आना इनहेलेशन कहलाता है, और लंग्स से बाहर निकल जाना एक्जेलेशन कहलाता है, इनहेलेशन एक्जेलेशन, इनहेलेशन और एक्जेलेशन कहलाता है, इनहेलेशन एक्जेलेशन आपको सर पढ़ाएंगे जूलॉजी वाले सर, चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर में, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर है आपकी जूलॉजी में, गैसियस एक्सचेंज, उसी चैप्टर में आपको ये सर पढ़ाएंगे इतनी बातें कि कैसे एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स तक आती है और कैसे लंग्स से वापस जाती है, इनहेलेशन और एक्जेलेशन को डिटेल में वहां पढ़ना है आपको, फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, सर्कुलेशन चैप्टर है आपके में कि नहीं है सिलेबस में,
तो सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको सर कि एल्बुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे मिक्स होती है, कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती है, कैसे आपके आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, आपके ये कैपिलरी क्या होती है, इन सब ब्लड को पढ़ाएंगे। इन सब में ब्लड कैसे बहता है, कैसे सेल के पास तक जाता है, कैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस लौटता है, ये चीज आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेशन चैप्टर में। जूलॉजी में है कि नहीं सर्कुलेशन चैप्टर? तो सर्कुलेशन चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे आप, सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। सर्कुलेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज की क्लास में चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट, चैप्टर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है जो दिन रात ऑक्सीजन लेती और CO2 निकालती है। इतना मेरी आवाज आ रही है अभी सभी को? सबको आ रही है? हाँ, तो सुनेंगे हम क्वेश्चन आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है जो दिन रात ऑक्सीजन लेती है और दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कभी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म क्यों नहीं होता? अगर मान लो मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है तो कभी ना कभी खत्म होना चाहिए ना, खत्म होता ही नहीं है, हमेशा 24 आवर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं। ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगी जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बदलती रहती है? ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर घुसती है और CO2 बाहर निकलती है? ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में देंगे। समझ में आ रही क्या बात पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे क्या रिस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर में? तो रिस्पायरेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, भी बीच में बोलो नहीं, सुनो, रिस्पायरेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल, हाँ बोलो, ऐसा क्या अर्जेंट हो जाता है, बीच में टोकता है हमको बार बार, बोलो बोलो। अब देखो बोल भी नहीं रहा है, बीच में पढ़ाने भी नहीं दे रहा था, बीच में 3 बार सर 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 बोला, सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दे रहा था। बोलो अब जल्दी से बोलो, अब कुछ नहीं है, चलो पढ़ो, सुनो ध्यान से। सेल जो है, सुनाई दे रहा है अभी आपको, आवाज आ रही है? हाँ, तो सेल में ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर घुसती है और CO2 बाहर निकलती है, ऐसा क्या होता है, इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन का अंदर जाने के बाद ऐसा क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन जाके करेगी क्या, और CO2 कहां से निकलती है, ये दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? दिन रात हमारे शरीर से CO2 जो निकलती है वो कहां से आती है, तो सेल से आती है। सेल से कहां से आती है ये पढ़ेंगे, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगा जिससे CO2 बनती है, और इतना इतना ऑक्सीजन हम लेते हैं, इतना सारा ऑक्सीजन अंदर खर्च कहां हो जाता है, ये क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इतना सारा ऑक्सीजन कहां पे खर्च होता है। दो क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, चैप्टर में रिस्पायरेशन चैप्टर में हमको दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इतनी सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो हम दिन रात लेते हैं वो कहां जाती है, और इतना सारा CO2 कहां से निकलता है सेल के अंदर, ऐसा क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि हमें, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे एनर्जी खर्च हो रही कि नहीं हो रही पढ़ाने में? आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपकी भी एनर्जी खर्च हो रही कि नहीं हो रही, सुनने में, पढ़ने में, रिप्लाई में, आंसर देने में आपकी भी एनर्जी खर्च हो रही? आपको एनर्जी कैसे मिलती है, हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। अगर आप में से किसी को लगता है खाना खाने से मिलती है तो कंप्लीट नहीं है आपका आंसर। खाना खाने से मिलती है बात सही है, बट सुनना ध्यान से, खाना आप खाते हो, फूड खाते हो, फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचेगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर पहुंचते हैं, ग्लूकोज सेल के अंदर घुसता है, क्या चीज घुसता है अंदर में, याद रखना, ग्लूकोज नाम का केमिकल, कौन सा केमिकल, ये बॉडी के सेल के अंदर घुसता है जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, बनता है ना, रोटी खाओगे आप, मान लो आपने रोटी खाई, डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, रोटी खाई, सब्जी खाई, आपने रोटी खाई, अगर ब्रेड खाई, पाव खाया, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या बनेगा डाइजेशन के बाद, पढ़ाया ना आपने, सिंपलेस्ट कंपाउंड है ग्लूकोज बनेगा, ये ग्लूकोज कहां जाएगा, ये ग्लूकोज जो बना है ये ग्लूकोज सेल के अंदर घुस जाएगा,
और बदले में क्या निकलेगी, बदले में एनर्जी निकलेगी, घुसेगा ग्लूकोज, निकलेगी एनर्जी। देखो दो चीजें अंदर घुसती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंदर घुसता है, CO2 और ATP बाहर निकलती है इस प्रोसेस के बाद। ये पूरी घटना कहां चलती है, सेल में, और इसी घटना को रिस्पायरेशन कहते हैं, इसी घटना को रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिस्पायरेशन, तो थोड़ा सा समझ में आया, रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब आपको जो एनर्जी मिलती है, जो अभी पढ़ाने के लिए हमको एनर्जी मिल रही, चलने फिरने बोलने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको गधा बच्चा बोलने के लिए, मेरे अंदर जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कहां से आई थी, कौन से प्रोसेस से आई, हमारे बॉडी में एनर्जी किस प्रोसेस से बनती है, रिस्पायरेशन। पहले खाना खाए होंगे सुबह सुबह, हम जो खाना खाए होंगे सुबह, ब्रेकफास्ट किए होंगे या लंच किए होंगे, उसका डाइजेशन हुआ होगा, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा और ये न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर घुसे होंगे और वहां उसका रिस्पायरेशन हुआ होगा, तब जाकर एनर्जी बनी होगी। एनर्जी इतनी आसानी से नहीं बनती, समझ में आई बात, एनर्जी इतनी देर के बाद मिलती है, इसलिए खाते ही तुरंत नहीं मिलती, इतनी देर के बाद आएगी एनर्जी। अब समझ में आई पूरी घटना। सो रिस्पायरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का अंदर घुसना सेल के अंदर, बदले में CO2 और ATP का बाहर निकलना। अब पढ़ें डिटेल में और अंदर, अच्छे से पढ़ें, स्टार्ट करें चैप्टर। ये सिर्फ बेसिक बैकग्राउंड था आपको पढ़ाने के लिए कि क्या होता है, कहां होता है, क्यों होता है, एक्चुअल में आपको इंटरप्रेट करने का। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, तो चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको नीट में कि रिस्पायरेशन एनाबॉलिक प्रोसेस है, पहला ऑप्शन रिस्पायरेशन इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन पूछा जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्या आंसर सही हो, बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब बच्चों। पुरानी किताबों के हिसाब से, बहुत पुराने जमाने की किताब देखोगे, पुराने जमाने की किताबें उसमें लिखा रहता था, या क्लास 8-9 की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता था रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन अब हम नहीं मानते ये बात, अब बोलते हैं रिस्पायरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है एम्फीबॉलिक का मतलब, कैटाबॉलिक हुआ या एनाबॉलिक हुआ या दोनों एक साथ हुआ, दोनों एक साथ। तो आज के कॉन्सेप्ट हमको मालूम चल चुका है, पुराने जमाने की किताब अगर उठा के देखोगे आज से कुछ साल पुरानी किताब, तो उसमें लिखा मिल जाएगा आपको पुरानी किताब में इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन आप गलत हो चुका है, ठीक है, पुरानी किताबों में ऐसा लिखा मिल जाएगा लेकिन गलत है ये। आज की नई किताब जब भी कोई खोल के देखोगे तो लिखा होगा रिस्पायरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। नीट का क्वेश्चन हो सकता है रिस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक या एम्फीबॉलिक। एम्फी मतलब बोथ, कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है, दोनों घटनाएं होती हैं, कुछ टूटता भी है और कुछ बनता भी है, कुछ चीजें टूटती भी हैं रिस्पायरेशन में और कुछ चीजें बनती भी है। क्या टूटता है, किसका कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनती है, तो इसलिए कैटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज का और एनाबॉलिज्म होगा एटीपी का। मतलब कुछ टूटता भी है और कुछ बनता भी है, दोनों प्रोसेस होती है, इसलिए इसे एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, याद रहेगा। तो रिस्पायरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, याद रहेगा पहली लाइन। दूसरा क्वेश्चन, रिस्पायरेशन इज अ एक्जर्गोनिक रिएक्शन, एक्जर्गोनिक रिएक्शन है या इंडरगोनिक रिएक्शन है, इंडरगोनिक रिएक्शन है, एक्जर्गोनिक है या इंडरगोनिक रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर टू। एक्जर्गोनिक और इंडरगोनिक का मतलब पता है आपको, इन दोनों वर्ड का मतलब पता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है अगर, तो उसे एक्जर्गोनिक कहते हैं। अगर एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी कंज्यूम होगी अगर बनने में, तो उसे इंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। बताइए रिस्पायरेशन में एनर्जी खर्च होती है, मिलती है, निकलती है या लगती है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, एक्जर्गोनिक या इंडरगोनिक, एक्जर्ग। तो याद रखिएगा
रिस्पायरेशन इज अ एम्फीबॉलिक एक्जर्गोनिक केमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? कहां पे होती है? कहां पर होती है? सेल में। इसलिए इसको सेलुलर प्रोसेस बोल सकते हैं क्या? सेल। यही डिफिनेशन हो गई। आपसे पूछे व्हाट इज रिस्पायरेशन, तो आंसर दीजिएगा इट इज द एम्फीबॉलिक एक्जर्गोनिक सेलुलर रिएक्शन, सेलुलर प्रोसेस। डिफिनेशन खत्म हो गई। व्हाट इज रिस्पायरेशन, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए हाँ, इट इज द डिफिनेशन, याद हो गया, इट इज द एम्फीबॉलिक एक्जर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस। रिस्पायरेशन डिफिनेशन सबको आने लगी। रिस्पायरेशन होने के लिए एंजाइम की जरूरत होती कि नहीं होती? एंजाइम जरूरत होगी कि नहीं होगी इस रिएक्शन में? होगी। इसलिए कैसी रिएक्शन है? एंजाइमेटिक रिएक्शन कहलाती है। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन कहलाती है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे एक करके, बहुत ज्यादा 500 तरह के एंजाइम्स का इसमें जिक्र करेंगे हम। तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, इसलिए एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये? चलिए अब बताइए, रिस्पायरेशन कहां होता है? बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है? इसलिए इसको इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे? ऑप्शन दो है, इंटरनल कहेंगे या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे? इंटरनल। इंटरनल बॉडी के अंदर कहां होगा? टिश्यू में होगा, इसलिए इसको टिश्यू रिस्पायरेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? टिश्यू के अंदर कहां पर होगा? सेल में होगा, इसलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सेल के अंदर कहां होगा? तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। वहां पर लाइट की जरूरत होगी रिस्पायरेशन होने के लिए कि नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में लाइट की जरूरत होगी रिस्पायरेशन होने के लिए कि नहीं होगी? नहीं होगी, इसलिए इसको डार्क रिस्पायरेशन कह सकते हैं क्या? तो इसको कितने सारे नाम से जान सकते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन पहला नाम हो गया, इंटरनल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं इसे। टिश्यू रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं इसे, सेलुलर रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं इसे, डार्क माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। सभी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, डार्क रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। आपसे कोई पूछे इंटरनल रिस्पायरेशन बताइए, व्हाट इज इंटरनल रिस्पायरेशन, व्हाट इज टिश्यू रिस्पायरेशन, व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन, व्हाट इज डार्क रिस्पायरेशन, अलग अलग है कि सभी सेम है? सभी सेम है। याद रखिए ये सारे के सारे सेम है, क्योंकि ये सारी चीज आपको कोई पूछे कि पार आपका पूछा जाए आपसे कि भूषण का घर कहां पर है, इंडिया में है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर वन, इंडिया में है? इंडिया महाराष्ट्र में है कि नहीं है? अमरावती में है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आंसर सही है। हमारे बॉडी के अंदर होती है इसलिए इंटरनल रिस्पायरेशन, टिश्यू में होती है टिश्यू रिस्पायरेशन, टिश्यू में सेल में होती है सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन, और डार्क में होती है डार्क रिस्पायरेशन कहते हैं। बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गन कहते थे? पावर हाउस, बचपन में पढ़े थे। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन नाम की प्रोसेस चलती है, और रिस्पायरेशन नाम की प्रोसेस से क्या बनता है अभी भी बताएं? एटीपी, एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनने के कारण एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम जानते, क्योंकि यहां एनर्जी बनती है। तो आपसे कोई पूछे भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है रिस्पायरेशन का? एक वर्ड में आंसर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है रिस्पायरेशन का? रिस्पायरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, याद रहेगा?
चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पायरेशन होगा तो रिस्पायरेशन में कोई ना कोई चीज से एनर्जी निकलेगी ना, किसी ना किसी चीज से एनर्जी निकलेगी। जिस चीज से एनर्जी निकलेगी उसे क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन में जिस चीज से एनर्जी निकलेगी उसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ तो व्हाट इज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, कोई पूछे आपसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट मतलब कच्चा माल। जैसे आपसे पूछे शक्कर का प्रोडक्शन किससे होता है, शक्कर प्रोडक्शन का, सुगर प्रोडक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, गन्ना। हाँ शुगर केन, गन्ना। आपसे कोई पूछे कि बताइए आपका जो बाजार में आती है रबड़ी आती है, रबड़ी का सबस्ट्रेट क्या हुआ, मिल्क हुआ। दही का सबस्ट्रेट क्या हुआ, मिल्क हुआ, जो कच्चा माल हिंदी में बोल सकते हो, कच्चा माल। समझ में आई, सबस्ट्रेट जिससे एनर्जी बनेगी उसे क्या बोलेंगे, जिस चीज का रिस्पायरेशन होगा उसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकलती कि नहीं निकलती, तो पहला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा हो गया रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो दूसरा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है फैट या लिपिड बोल सकते हो, फैट या लिपिड्स। तीसरा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन। सीक्वेंस सही रखना, ऐसा ही रखना जो हमने लिखा है, सब कुछ सोच कर लिखा है, आगे पीछे नहीं करना। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन, और चौथा में अदर डाल दो, अदर डालना है तो ठीक है, अदर की जरूरत नहीं है वैसे, अदर। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट समझ में आया, कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट या लिपिड हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है। इन सब से एनर्जी निकल सकती कि नहीं निकल सकती। अब एक कहानी सुनाते हैं, जल्दी से सुनना ध्यान से। कहानी है अनुष्का, ध्यान से आंसर देना, आपसे क्वेश्चन है। अनुष्का नाम की एक लड़की थी, उसके कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे में एक टोकरी भर के फ्रूट्स रख दिए गए, एक टोकरी भर के बासी रोटी रख दी गई, कड़ी कड़ी पत्थर जैसी हार्ड 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 सूखी रोटियां रख दी गई, और एक टोकरी में बदबूदार सड़ा हुआ खाना रख दिया गया, स्मेली। बताइए अनुष्का आप क्या खा रही होगी, कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, बाहर नहीं आ सकती, आपको किसी में से कुछ खाना है, क्या खाइएगा अनुष्का, आंसर आंसर दी, फ्रूट्स खाइएगा, सही आंसर है ना। कब तक रोटी कब खाइएगा, क्वेश्चन नंबर टू आप बताइए। वहां पे बंद रहेंगी, आप निकल नहीं सकती वहां से, आप अंदर कैद हैं उसमें। अब बताइए आपसे क्वेश्चन है, रोटी रोटी कब खाएंगी, क्वेश्चन नंबर टू, रोटी कब खाएंगी, जब पूरे फ्रूट्स खत्म हो चुके होंगे, फ्रूट्स एक भी नहीं बचे होंगे, तब आपको मरने से अच्छा लगेगा कि रोटी कम से कम सूखी रोटी खा ले, मरने से अच्छा सूखा रोटी खाना चलेगा ना। लेकिन चॉइस क्या थी आपकी, फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस क्या है, फ्रूट्स है। सेकेंड चॉइस क्या है आपके पास, अगर फ्रूट्स ना रहे तब रोटी, और जब रोटी भी ना रहेगी तब लास्ट चॉइस क्या है आपके पास जिंदा रहने के लिए, वो सड़ा हुआ खाना। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी करता है आदमी फिर जब जिंदा रहने की बात आती है तो। समझ में आ रही बात अनुष्का, तो क्वेश्चन ये है कि रोटी आज आप खा रही होंगी, आज ही आपको बंद किया है, आप रोटी खा रही होंगी या नहीं खा रही होंगी, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यस या नो में। हाँ नहीं खा रही होंगी, कब खाइएगा, जब फ्रूट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। कहानी समझ गए अच्छे से, अगर कहानी समझ में आ गई है तो यहां समझ लेना, ये रहा फ्रूट्स, ये रही रोटी, और ये रहा सड़ा हुआ खाना, ऐसे समझ लो, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लो। तो बताइए बॉडी में जनरली जनरली किस चीज का रिस्पायरेशन हो रहा होता है, जनरली क्या खा रहा होता है बॉडी, तो नॉर्मली आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा होता है हर समय। अभी मेरे शरीर में किस चीज का रिस्पायरेशन हो रहा होगा, एनर्जी कहां से आ रही, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के लिए एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से आ रही होगी या फैट से या प्रोटीन से या तीनों से, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आएगा, अच्छा अगर मैंने 3 दिन का उपवास कर लिया, निर्जला उपवास कर दिया, 2-3 दिन का फास्टिंग कर ली, या मेरी तबीयत खराब हो गई, 2-3 दिन से हमने खाना ही नहीं खाया है, बुखार आया था, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बचेगा क्या, सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया क्योंकि खाना नहीं खा रहे हम,
तो अब मेरे बॉडी में बताइए इस हालत में अब मेरे बॉडी में किसका रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा, सुबह से हम भूखे हैं फैट का, है ना, सुबह से हम फास्टिंग कर लिए, सुबह से फास्टिंग में है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, तो कार्बोहाइड्रेट मेरे बॉडी में सारा यूज हो चुका होगा, अब इस हालत में हमारे बॉडी में फैट का रिस्पायरेशन चल रहा होगा। हाँ, फैट का रिस्पायरेशन होगा तो हम पतले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, चर्बी जो ये बढ़ गई है पेट के इधर मोटा मोटा चर्बी इकट्ठा हो गया है, यहां यहां इकट्ठा हो गया है स्किन के नीचे, उस चर्बी कम होगी कि नहीं होगी, समझ में आई बात, अच्छी बात है। और अगला चीज, अगर फैट भी खत्म हो जाएगा तब उस हालत में किसका रिस्पायरेशन होता है, लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रोटीन का रिस्पायरेशन, समझ में आ रही बात, लास्ट ऑप्शन है प्लांट बॉडी के पास प्रोटीन का रिस्पायरेशन करना, जब दोनों खत्म हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट रहेगा तो प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा नहीं, तो नॉर्मली सबसे ज्यादा बॉडी आपका आपका मेनली कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन करती है, लेकिन आपने रोजा रख लिया, व्रत रख दिया, उपवास रख लिया, दिन भर से कुछ नहीं खाया, तो उस हालत में आपका फैट या लिपिड का रिस्पायरेशन हो रहा होगा, और अगर दो तीन दिन चार दिन पांच दिन से खाना नहीं खाया है, बहुत ज्यादा बीमार पड़े पांच छह दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो किसका रिस्पायरेशन होगा, हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, ये बॉडी किसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, बना किस चीज का है, प्रोटीन का बना हुआ बॉडी है, तो प्रोटीन अपना मतलब अपना बॉडी अपने आप को खाने लगेगा, बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देगा एनर्जी लेने के लिए, तो इमरजेंसी कंडीशन हुई कि नहीं हुई, देख रहा है, ये नॉर्मली खा रहा है, ये स्टोर फूड है, फैट हमारे बॉडी का स्टोर फूड है, पता है ना, हमारे बॉडी में अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हो, ज्यादा खाना खाते हो, तो आपका एक्स्ट्रा खाना कहाँ स्टोर हो जाता है, चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे फैट के फॉर्म में जमा हो जाता है, इसीलिए आप मोटे हो जाते हो, बोलते मोटे हो गए हैं, मोटा होना समझते हो कैसे मोटा होता है कोई इंसान, फैट के जमा होने से, फैट की वजह से मोटे और पतले होते हैं, अगर फैट ज्यादा स्टोर हो गया तो मोटे हो जाएंगे, फैट कम हो जाएगा तो पतले हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, इतनी सी बात समझ पा रहे हो, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फूड स्टोर फूड है, तो मतलब कार्बो, हाँ हाँ हाँ, फैट की वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का रिस्पायरेशन इसलिए नॉर्मल कंडीशन है या इमरजेंसी कंडीशन है, और प्रोटीन का रिस्पायरेशन इमरजेंसी आ गई है बॉडी में, समझ में आ रही बात, हाँ, तो यहां पर नॉर्मल और इमरजेंसी वर्ड ना यूज करके यहां पर वर्ड यूज होता है जब कार्बोहाइड्रेट या फैट का रिस्पायरेशन होता है, जिसको फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कहते हैं, FLOATING, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लोटिंग रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आइदर कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, तो उस तरह के रिस्पायरेशन को फ्लोटिंग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट प्रोटीन होगा तो इस तरह रिस्पायरेशन को प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत, तो रिस्पायरेशन कितने तरह के हो गए, कितने तरह का रिस्पायरेशन होता है, दो तरह का, कौन कौन सा, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक, समझ में आई बात, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन, दो तरह के रिस्पायरेशन हो गए, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन किसे कहेंगे, अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड होगा तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन है, और अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन है, याद रहेगा इतनी सी बात, तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को देखकर रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, क्लियर, इतनी सी बात समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ध्यान सुनो अभी, रुको, आपके सारे क्वेश्चन आंसर देंगे, पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, अगली बात पूछा जाए, अगर आपको घर का सोना बेचना पड़े खाना खाने के लिए, पैसा आपके खाने 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 पीने के लिए आपको घर का सोना बेचना पड़े, ये नॉर्मल कंडीशन है या इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, समझ में आ रही बात, हम लोग सोना जनरली नहीं बेचते, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे घर के बगल में एक सुनार की दुकान है, वो लोग अपना खाना खाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, खाना खाने के लिए सोना बेचते हैं, क्या उनके घर में इमरजेंसी कंडीशन है, समझ में आ रही बात, कोई कोई नॉर्मल इंसान सोना बेचेगा तो इमरजेंसी है, लेकिन सुनार सोना बेचेगा तो नॉर्मल कंडीशन,
समझ में आ गई बात, कहानी समझ में आ रही। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन का रिस्पायरेशन हो रहा तो कौन सा रिस्पायरेशन कहलाएगा? इमरजेंसी प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। हाँ, लेकिन हमसे पूछे जल्दी से उसका आंसर देना, चने का दाना है एक पल्सेस का कोई भी ग्राम या चना कोई भी चने का दाना है, ग्राम का दाना है मतलब समझ रहे हो, आपके दाल कोई भी दाल का ग्रेन है, समझ में आ रही बात, चने का दाना है, चने का दाना जर्मिनेट कर रहा है, एक नया प्लांट निकल रहा है इससे, इस समय इसके अंदर चने के अंदर क्या मिलता है, दाल खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है इसके, मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा चने के दाने के अंदर, प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा? तो बताना, पल्स सीड में जब जर्मिनेशन हो रहा होता है, जर्मिनेशन हो रहा होता है तो किसका रिस्पायरेशन हो रहा होता है, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का? तो प्रोटीन का रिस्पायरेशन है, प्रोटीन का रिस्पायरेशन हो रहा होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन भरा होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है पल्सेस के पास, उसके पास कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, इसलिए प्रोटीन का रिस्पायरेशन होगा। और ये इमरजेंसी हुई या नॉर्मल कंडीशन हुई, मतलब ये फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में आएगा या प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में आएगा? समझ में आई बात? वैसे तो प्रोटीन का रिस्पायरेशन क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहलाता है, मैं बताया प्रोटीन का रिस्पायरेशन प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन जो पल्स सीड होते हैं आपके लेग्यूम सीड जो होते हैं, लेग्यूम सीड में अगर रिस्पायरेशन जर्मिनेशन के समय जो रिस्पायरेशन होता है उसे आपका फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में ही रखा गया है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? वाह, इतनी सी बात कहानी की तरह समझ में आ गई। आप हमेशा मत कहना प्रोटीन का रिस्पायरेशन हमेशा प्रोटोप्लाज्मिक होता है, लेग्यूम सीड या पल्स सीड, लेग्यूम सीड या पल्स सीड एक ही है ना, तो लेग्यूम सीड में जर्मिनेशन के समय प्रोटीन का रिस्पायरेशन होता है और उसे फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में ही रखेंगे क्योंकि उसके अंदर इतना सारा प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है, तो उसके लिए प्रोटीन नॉर्मल सी चीज है, उसके पास सोना ही सोना है सोनार के पास, तो सोना बेचना उसके लिए नॉर्मल सी चीज है। समझ में आ रही बात, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आपको लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था भूषण, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम डाइटिंग करना चाह रहे हैं, बहुत मोटे हो गए हैं, पतला होना चाहते हैं, तो बताइए जब डाइटिंग करते हैं तो क्या चीज खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। कार्बोहाइड्रेट खाएं, बताइए फैट, क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फैट का रिस्पायरेशन कर, फैट से मोटा होता ना आदमी, फैट कम करना है तो फैट खाना होगा कि नहीं खाना होगा? पहली चीज, फैट कम करना तो फैट खाना बंद करना होगा आपको, पहला चीज फैट नहीं खाना होगा। अब कुछ ना कुछ तो भूख तो लगेगी, कुछ ना कुछ तो खाना होगा ना, तो क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा तब तक फैट, आपके बॉडी का फैट गलेगा क्या, जो आपकी बॉडी में फैट भरा हुआ है? नहीं गलेगा, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो? इसीलिए जो डाइटिंग करता है उसको चावल रोटी ये सब कुछ मना कर दिया जाता है, अब जिसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाना बंद कर दीजिए, आलू वगैरह खाना बंद कर दीजिए, क्या खाइए फिर, वो क्या खाने, भूख लगी भूख मिटाने के लिए क्या खाना चाहिए? हाँ, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाने को कहते हैं, प्रोटीन पाउडर खाओ, प्रोटीन का ये खाओ, दूध पियो, मतलब वो लोग जिम कर दो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से रिस्पायरेशन होगा और फैट जो आपके बॉडी में पहले से है वो गल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तो आप खा ही नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट तो बचा ही नहीं, जो फैट आपके स्किन के नीचे चर्बी के में जो जमा हुआ है वो फैट कैसे निकलेगा? तो आपको प्रोटीन खाना है और ये दोनों चीजें नहीं खानी है, आपको फैट कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा तब तक कोई फैट का डाइजेशन रिस्पायरेशन होगा क्या? नहीं होगा, तो जब तक फैट का रिस्पायरेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए फैट का रिस्पायरेशन करना है तो कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देना पड़ता है, और फैट तो खाना ही नहीं है, सिर्फ क्या खा सकते हैं, भूख मिटाने के लिए क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन आप में से जो बच्चे डाइटिंग करने के लिए बारे में सोच रहे हैं वो बेवकूफ बच्चों में से एक है जो करते हैं ऐसा, तो जनरली डाइटिंग करना बेकार चीज है, याद रखिएगा, साइंटिफिकली अगर पूछा जाए तो डाइटिंग बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देंगे, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कमी आ जाएगी, अगर आप सुंदर होने दिखने के लिए स्मार्ट दिखने के लिए अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कमी आ जाएगी। आपके चेहरे को ग्लेजिंग किससे मिलता है, पता है आपके चेहरे की सुंदरता किस चीज से होती है? कार्बोहाइड्रेट से।
तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाएगी, तो आपकी ग्लेजिंग खत्म हो जाएगी, स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए ज्यादा डाइटिंग नहीं करना चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही मोटा हो गया है, उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल इंसानों को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां बिना बेवजह ऑलरेडी अच्छी है फिर भी डाइटिंग कर रही हैं और अच्छा और पतला दिखने के लिए, तो वो बेवकूफी है और कुछ नहीं। आपका ग्लेजिंग खत्म हो जाएगा चेहरे का, ठीक है। इसलिए फालतू में डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, एक एक्सरसाइज अपनी, हेल्दी लाइफ जीना चाहिए, सब कुछ खाओ और हेल्दी लाइफ जियो। बोलो सर। वही 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 तो डाइटिंग करने का ये सब साइड इफेक्ट है। कई बार आपका जितना फैट गला, जैसे ही बॉडी को वापस से फैट मिलता है, उसका ज्यादा डबल ले लेता है फैट, बहुत ज्यादा ले लेता है। इसलिए डाइटिंग करना बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोसेस नहीं है। इसीलिए आपको अगर हेल्थ का अपना ध्यान रखते हैं तो सबसे अच्छी चीज है कि डेली में सब कुछ खाइए और एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, अपनी सारी एक्टिविटी करिए घर में। जिम भी जाने की जरूरत नहीं है अगर हमसे पूछिए तो, बाकी आपकी च्वाइस है। घर के काम करिए, घर के काम करते समय आपके सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं घर के काम करने से। अपने मम्मी पेरेंट्स की हेल्प करिए, इससे अच्छा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। घर पे पोछा लगाते समय आपके पेट का, जिसका पूरे घर में पोछा लगाया होगा, जिस बच्चों ने, उसका पेट नहीं निकलेगा कभी भी। घर पे पोछा लगाने से पेट नहीं निकलता, कमर का एक्सरसाइज हो जाता है, गर्दन का एक्सरसाइज हो जाता है, जब झुकते हैं तो आप कमर के, कमर गर्दन उसका एक्सरसाइज हो जाता है, पेट कभी नहीं निकलता जो कोई पोछा लगाता है तो घर पे, ठीक है। जो लोग घर पे काम करते, पानी वगैरह भरते हैं, ये सब करते हैं, तो उनकी बॉडी ये डोले छोले अपने आप बन जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। तो घर पे बहुत सारे काम है ऐसे, घर पे घर वालों का काम में हेल्प करो, पेरेंट्स की हेल्प करो, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है जिम जाने से ज्यादा अच्छा। और प्रोटीन पाउडर तो बिल्कुल कभी मत खाना जीवन में। आजकल बहुत सारे बच्चे जिम जाने, अपना बॉडी वॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर बाजार में मिलते हैं अलग अलग तरह के, और उन प्रोटीन को पाउडर को खाता है, और उन प्रोटीन पाउडर को एक्सेस ऑफ प्रोटीन खाने की वजह से किडनी में प्रेशर पड़ता है, उनकी किडनी खराब हो जाती है, कई लोग मर गए हैं प्रोटीन पाउडर खाकर बॉडी बनाने के चक्कर में। आप देख लेना, नेट पे डाटा छिपा देता है, क्लियर दिखेगा नहीं आपको, छिपा हुआ रहेगा डाटा, बट ये डाटा सच है। कई सारे बच्चे प्रोटीन पाउडर खाकर किडनी उनकी खराब हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कई लोग मर गए हैं। तो प्रोटीन वोटीन खाना बहुत अच्छी चीज, नेचुरल प्रोटीन खाओ, चने खाओ बढ़िया अच्छे से उबले आपके अंकुर चने खाओ, दूध पियो, ठीक है। नॉनवेज खाने वाले बच्चे अंडे खाओ, बाकी नॉनवेज नहीं खाओ तो ज्यादा अच्छा है, एनिमल प्रोटीन से ज्यादा अच्छा आपका वो प्रोटीन होता है वेज प्रोटीन। वेज प्रोटीन खाओ अधिक से अधिक, चने खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, उससे आपकी बॉडी कभी खराब नहीं होगी। समझ गए बात को? तो हेल्दी लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ का, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट समझ में आया। सबसे मोस्ट प्रेफरेबल रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट कौन सा है? सेकंड प्रेफरेबल और फैट या लिपिड, और थर्ड प्रोटीन। अगर फैट का रिस्पायरेशन हो रहा तो कौन सा रिस्पायरेशन कहलाएगा, फ्लोटिंग या प्रोटोप्लाज्मिक? फ्लोटिंग। और प्रोटीन का हो रहा तो, और ग्लूकोज का हो रहा तो, ग्लूकोज का हो रहा तो, सुक्रोज का हो रहा तो, फैक्टोज का हो रहा तो, हाँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मैनोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, सब कार्बोहाइड्रेट ही है। चलेगा, तो आपको इतना समझ में आ गया रिस्पायरेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ते हैं, किस बेसिस पर पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को ध्यान, सॉरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में देखकर देखा जाए तो रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। अगर रिस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो उसको कौन सा रिस्पायरेशन कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। याद रखना, दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी, सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत है तो एरोबिक, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। समझ में आई बात? एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन डिफरेंस सुन लो। पहला डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, पहला डिफरेंस है। यहां पर उल्टा कर लो, एनारोबिक में पूरी तरह से रिस्पायरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का, तो यहां पर क्या होगा,
इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन होगा, ये इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है, चलेगा पहला पहला डिफरेंस। दूसरा बात पढ़ें, डिफरेंस नंबर टू, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी या कम एनर्जी निकलेगी, पूरा रिस्पायरेशन होगा सब कुछ रिस्पायरेशन होगा तो मोर एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर लेस एनर्जी रिलीज, यहां कितनी एनर्जी निकलेगी, एक ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलेगी 686 किलो कैलोरी, याद कर लो कितनी एनर्जी मिलेगी एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन से 686 किलो कैलोरी। इसको एटीपी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 38 एटीपी, अगर इसको एटीपी में कन्वर्ट करें तो कितने एटीपी हो गया 38 एटीपी। एनर्जी के फॉर्म में पूछे तो हाँ 686 किलो कैलोरी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी है या कम एनर्जी है ये। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो वन ग्लूकोज से कितनी एनर्जी निकलेगी, मात्र 21 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, 21 किलो कैलोरी एनर्जी, 21 किलो कैलोरी एनर्जी कम है कि ज्यादा है, कंपेरेटिवली बहुत कम है, मतलब कितने एटीपी, 2 एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एटीपी। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन से एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलेगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा 2 एटीपी, 2 एटीपी मतलब कितने किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी। हाँ तो बताइए किस किस कौन से रिस्पायरेशन ज्यादा एनर्जी निकली, किससे कम निकली और कितनी कितनी निकली, याद रहेगा एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जरूरत होगी कि नहीं होगी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यहां पर ऑक्सीजन जरूरत होगी क्या, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, कर सकते हैं लिख सकते हैं डिफरेंस। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट रिस्पायरेशन हो जाएगा, और कंप्लीट रिस्पायरेशन हो जाएगा तो क्या निकलेगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 और वाटर निकलेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट कंपाउंड कुछ बनेगा क्या अगर पूरा रिस्पायरेशन हो गया तो, नो इंटरमीडिएट कंपाउंड इज रिलीज, इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा, डायरेक्ट पूरा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कंप्लीट रिस्पायरेशन होगा कि इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन होगा तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड आर फॉर्म, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो लिख लेना इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म। इंटरमीडिएट कंपाउंड के नाम बताइए, किसी ने नाम सुना है इंटरमीडिएट कंपाउंड, हाँ लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, ऐसे सब केमिकल के नाम सुने होंगे, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, ऐसे बहुत सारे आपके कंपाउंड्स है, एथेनॉल, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड है, कुछ भी बन सकता है, समझ में आई बात। इंटरमीडिएट कंपाउंड कब बनेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन में, एनारोबिक रिस्पायरेशन में, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, एनारोबिक में। एनर्जी कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी, कंप्लीट रिस्पायरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन। इतनी बात समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, चलेगा। अगला चीज पूछे कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होगा, तो एरोबिक रिस्पायरेशन हमारी बॉडी में लगभग सभी जगह होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम सेल में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन कहां कहां होता है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन लिख लो कुछ खास जगह में होता है, किसमें होता है, सम बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, सम बैक्टीरिया में एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, पढ़ा था ना एनारोबिक बैक्टीरिया, कुछ लोअर पैरासाइटिक एनिमल है, पैरासाइटिक एनिमल होते हैं, कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स हैं, कुछ वो पैरासाइटिक एनिमल्स जो है, जैसे कि एस्केरिस का नाम सुना है, टीनिया का नाम, टेनिया का नाम सुना है, जूलॉजी में आपको ने सुना होगा सब वर्ड, एस्केरिस का नाम सुना है, एस्केरिस पेट में रहने वाला कीड़ा है, टैप बॉम्ब भी बोलते हैं इसको,
इसका नाम सुना है TAENIA, ये सारे पैरासाइट के नाम है, पैरासाइटिक एनिमल है, चलेगा। तो पैरासाइटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी कौन सा रिस्पायरेशन होता है? एनारोबिक। आपकी रेड रेड ब्लड सेल आरबीसी में भी देखने मिलता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने मिल जाता है आरबीसी में, और आपकी मसल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, मसल्स में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने मिलता है। इतनी सारी जगह पर आपके एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो क्या बनेगा? एथेनॉल, एस्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड जैसे केमिकल बन सकते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहां देखने मिलता है? कुछ बैक्टीरिया में, कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स में, आरबीसी में, और मसल्स, ह्यूमन की मसल्स में, इतनी जगह आपके एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिल सकता है। और बाकी सारी सेल में, इनके अलावा सभी सेल, ऑलमोस्ट ऑल सेल में, ऑल सेल में, लगभग सारी सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कुछ ही सेल है जिनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, नाम लिख दिया हमने। मसल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है कि एनारोबिक होता है कि बोथ होता है? मसल्स में बोथ होता है, हाँ, एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या कभी आप कभी दौड़े हो? कभी कोई दौड़ा है, रन किया है? रन किया होगा, दौड़े होंगे, या आपको अभी दौड़ा दें हम, दो तीन किलोमीटर दौड़ा दें, 3 किलोमीटर दौड़ कराओ। अभी हमने आपको होमवर्क दे दिया, 3 किलोमीटर रेस करो, दौड़ कराओ, 3 किलोमीटर, केजी नहीं, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए भेज दिया। आप दौड़ कर लौटोगे 3 किलोमीटर, आपके पैर में आज शाम को दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों होगा दर्द? क्यों होगा दर्द? क्योंकि आपके बॉडी में, हाँ, ध्यान से समझना, जब रन रन कर रहे होगे तो आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी या कम होगी? बहुत तेज तेज दौड़ रहे हो तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके बॉडी में जनरली कौन सा रिस्पायरेशन होता है? जनरली एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन सफिशियंट पड़ेगा क्या एनर्जी प्रोडक्शन करने में? तो वो एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रिस्पायरेशन भी बॉडी करने लगेगा, दोनों रिस्पायरेशन एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे मसल्स में, क्योंकि मसल से दौड़ोगे ना, चलना फिरना दौड़ना करते मसल्स में करते हो ना, तो दौड़ोगे, क्योंकि मसल्स में बहुत सारी एनर्जी जरूरत होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी, तो उसमें एरोबिक प्लस एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एरोबिक तो चल ही रहा होगा, साथ ही साथ में एनारोबिक रिस्पायरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो क्या बनेगा आपके बॉडी में? लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल बनेगा। आपकी मसल्स में क्या भर जाएगा? और लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में भर जाएगा, लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में भर जाएगा, तो आपको उसके जमा हो जाने की वजह से, इकट्ठा हो जाने की वजह से, मसल्स में भर जाने की वजह से दर्द होगा कि नहीं होगा? स्वेलिंग आएगी कि नहीं आएगी? आपकी मसल सूज जाएंगी, दर्द फूल जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, नीला हो जाएगा, वहां पर नीला काला पड़ जाएगा स्किन, स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक एसिड के जमा हो जाने की वजह से मसल्स में? और ये सब दर्द कैसे ठीक होगा? अब बताओ, आपने दौड़ तो लिया मेरे कहने पे 3 किलोमीटर, पैर में अब दर्द हो रहा है, उपाय बताओ कैसे ठीक करोगे? अब पैर का दर्द ठीक कैसे होगा, उपाय बताओ, अब क्या करना होगा आपको? हाँ, आपके पास ऑप्शन नंबर 1, मसाज करवा लोगे आप, वहां पे मालिश करवा लोगे, मालिश करवाओगे तो मसल्स में जो लैक्टिक एसिड भरा हुआ है फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो इसलिए दर्द उस जगह पर दर्द कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक जगह पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया था इसलिए दर्द हो रहा था ना, अब पूरी बॉडी में फैल गया तो इसलिए उस जगह पे कम हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही बात? तो मालिश करने से, मसाज करने से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा चीज, आप गर्म पानी से सिकाई वगैरह कर लोगे? गर्म पानी से सिकाई करने से, गर्म करने से वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वहां पर फ्लो ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से भी आपका ये जो है लैक्टिक एसिड फैल जाएगा, उस जगह से हट जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप मूव वगैरह कुछ आते हैं बाजार में, मूव, वॉलनी, ऐसे बहुत सारे केमिकल आते हैं, इनको डाल दोगे, इनकी वजह से वहां ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और ये फैल जाएगा। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, मसाज करवा लो, तेल से मसाज करवा लो, बॉलनी लगा लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, या गर्म पानी से सिकाई कर लो, इस सबसे दर्द ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ गए? तो लैक्टिक एसिड जब तक वहां रहेगा तो दर्द देता रहेगा, लैक्टिक एसिड हटा दो, दर्द ठीक हो जाएगा, या कुछ भी नहीं करोगे तो अपने आप दर्द एक दो दिन में ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
क्यों? एक दिन में अपने आप लैक्टिक एसिड वहां से खत्म हो जाएगा, लैक्टिक एसिड ब्लड ले जाएगा वहां से, उठा उठा के सारा लैक्टिक एसिड खत्म कर देगा, और इस तरह लैक्टिक एसिड जब खत्म हो जाएगा अपने आप भी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं भी करोगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो समझ में आई बात? तो एनारोबिक रिस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है? मसल्स में होता है कि नहीं होता हमारी? हाँ होता है, आरबीसी में होता है, कुछ पैरासाइट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इन सभी जगह एनारोबिक रिस्पिरेशन देखने मिलता है, और बाकी सारी सेल में, हाँ ईस्ट में भी होता है, वेरी गुड, ईस्ट में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन देखने मिलता है, वेरी गुड, ईस्ट में। हाँ कुछ कुछ में होता है, और बहुत सारी सेल है जहां पे हो सकता है, सबका तो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ होता है, कुछ शीट में भी होता है। तो कुछ जगह पर एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, बाकी सभी जगह पर आपके एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। चलेगा इतनी सी बात? चलो बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ में आ गया आपको? अगला लाइन एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला याद करना, अभी के अभी सभी को याद होना चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन का फॉर्मूला है C6H12O6। मतलब क्या लिखा हमने? C6H12O6 ग्लूकोज। एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डालेंगे कि नहीं डालेंगे? एक ग्लूकोज के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत होता है? 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जरूरत होती है। एक ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है? मिनिमम 6O2। तो 6O2 लिख दिया, प्लस पानी की जरूरत होगी कि नहीं होगी रिस्पिरेशन करने के लिए? हाँ होगी। कितना पानी चाहिए होगा? मिनिमम 6O2H2O चाहिए होगा, 6H2O इतना पानी चाहिए होगा। चलेगा? अब जो इतना चीज लेकर चलेंगे, इतना पानी भी ले लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए पानी की भी जरूरत होती है, बिना पानी के रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोलाइसिस होती ना, इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है रिएक्शन होने के लिए। अब जब ये तीनों चीजें रिएक्शन करेंगी, 6A1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बताइए क्या क्या बनेगा? एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो, छोटा सा बनाते हैं, लिखना है ना यहाँ, कितना क्या क्या बनेगा? 6 CO2 निकलेगी, कितनी निकलेगी? 6 CO2 निकलेगी, 12 H2O निकलेगा, पानी निकलेगा, और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कितनी निकलेगी? 686 किलो किलोरी एनर्जी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 686 किलो किलोरी एनर्जी। अगर ये कन्वर्ट करें एटीपी में तो कितना एटीपी हो जाएगा? 38 एटीपी। कोई दिक्कत? ये किसका फॉर्मूला है? ये यहां से यहां तक याद हो गया सभी बच्चों को एरोबिक रिस्पिरेशन का फॉर्मूला? अब पढ़ते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन का फॉर्मूला। एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी हम किसका रिस्पिरेशन करेंगे? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज लिख लेते हैं C6H12O6। ऑक्सीजन डालेंगे क्या? तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वाटर की जरूरत नहीं है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में किसी चीज की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट रिस्पिरेशन हो जाएगा। और रिस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जैसे कुछ भी बन सकता है, एथेनॉल मेथेनॉल कुछ भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है। तो यहां पर देखो क्या बना दिया हमने, 2C2H5OH। नाम सुना है C2H5OH का? एथाइल एल्कोहल, हाँ एथेनॉल, एथेनॉल बन गया। देखो एथेनॉल बन गया, एथाइल एल्कोहल बन गया, एथेनॉल C2H5OH बन गया। कितने बने? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। प्लस CO2 गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ निकल गए, आ गई CO2 गैस निकली। कितनी निकली? 2 CO2 रिलीज हो गया। और साथ में एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी? 21 किलो कैलोरी एनर्जी, या इसको 2 ATP भी बोल सकते हो। ये पूरी केमिकल रिएक्शन थी। ये यहां पर एंजाइम की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ यहां एंजाइम की जरूरत होगी। कहां होगी ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, दो जगह ये प्रोसेस होगी एरोबिक रिस्पिरेशन। और एनारोबिक रिस्पिरेशन कहां होगा? यहां भी एंजाइम जरूरत होगी, हाँ होगी, यहां भी एंजाइम्स की जरूरत होगी। ये प्रोसेस कहां होगी? ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती, ओनली साइटोप्लाज्म में। मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन कहां होता है? हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दो जगह होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? जो आपको बोर्ड में लिखा है, स्क्रीन लिखी में लिखा हुआ है, उतनी चीजें आपको समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, दोनों का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन का फॉर्मूला अच्छे से।
याद हो गया सभी बच्चों, सभी बच्चों को याद कर लो अभी के अभी, बाद के लिए नहीं, अभी के अभी याद करो। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोबिक का है ये एनारोबिक। अगर याद हो गया है तो हम आगे चलते हैं। एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन, बस 5 मिनट की क्लास और बची है, जल्दी ध्यान सुनना। एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन, सुना है कभी किसी ने नाम फर्मेंटेशन? ये वर्ड बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर है एनारोबिक रिस्पायरेशन से, ज्यादा सिमिलर है। फर्मेंटेशन इज मोर सिमिलर टू फर्मेंटेशन। अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज सुन लो। फर्मेंटेशन इज मोर सिमिलर किससे, एरोबिक रिस्पायरेशन से या एनारोबिक रिस्पायरेशन से? हाँ बताओ, फर्मेंटेशन जब भी होगा तो ऑक्सीजन जरूरत होगी कि नहीं होगी फर्मेंटेशन होने के लिए? नहीं होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन सिमिलर है ना, तो फर्मेंटेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, एनर्जी ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी? कम एनर्जी निकलेगी, लगभग 2 एटीपी के आसपास फर्मेंटेशन से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है फर्मेंटेशन? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मतलब मोर और बहुत अच्छी। भूषण तुम अपना बंद रखो, तुम्हारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे तुम ऑन करते हो मेरी आवाज मुझे आने लगती है। तो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस कितना है इन दोनों में, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस सुन लेते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में होगा कि नहीं होगा? ह्यूमन की बॉडी में होगा कि नहीं होगा? पैरासाइट में होगा कि नहीं होगा? बैक्टीरिया में होगा कि नहीं होगा? सभी में होगा। लेकिन फर्मेंटेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही देखने मिलता, माइक्रोब्स में ही दिखेगा और किसी में नहीं होता। फर्मेंटेशन सिर्फ किस में होता है? ओनली और ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। हाँ, दूसरा डिफरेंस क्या है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर होगा? सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर रिएक्शन भी कहते हैं। इंट्रा सेलुलर रिएक्शन है, सेल के अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर। लेकिन फर्मेंटेशन जो होता है सेल के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन, फर्मेंटेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेल के बाहर होता है फर्मेंटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है, चलेगा तो लगभग फर्मेंटेशन और एनारोबिक जो रिस्पायरेशन है ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस इतना है कि फर्मेंटेशन वर्ड सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए केस में कंसीडर करते हैं और कहीं नहीं बोलेंगे, पहला डिफरेंस। दूसरा है कि इसमें रिस्पायरेशन सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा? हाँ, फर्मेंटेशन में सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल रिएक्शन है, बस इतना सा डिफरेंस था। और इसके साथ साथ फर्मेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सब कुछ सेम है फर्मेंटेशन और एनाबॉलिक रिएक्शन में। दोनों ही इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन है, दोनों में ही कम एनर्जी निकलती, दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस जो था हमने बता दिया, डिफरेंस इतना सा है। और इसके साथ साथ आपको आज की क्लास खत्म होती है, आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ डाला? आपने आज की क्लास में पढ़ लिया कि रिस्पायरेशन की डिफिनेशन, रिस्पायरेशन के अदर नेम, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस, और फर्मेंटेशन के बारे में। इतनी बातें समझ गए? अच्छा, एक और लास्ट टाइम सुन लो। पाश्चर एक साइंटिस्ट हुए, पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि पहली बार देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से भी रिस्पायरेशन कम होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, और अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन रहेगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से रिस्पायरेशन अगर कम हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से अगर रिस्पायरेशन कम होता है, रिस्पायरेशन का रेट क्या होता है? रिस्पायरेशन स्लो होता है। यह बात किसने पहली बार देखी थी? कुछ शेल में, पाश्चर नाम साइंटिस्ट ने। इसलिए अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से किसी में रिस्पायरेशन स्लो हो जाए, इस घटना को कौन सा इफेक्ट कहते हैं? पाश्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार देखा था, इसलिए इसे पाश्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाश्चर इफेक्ट, क्या देखिएगा
इफ ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेट ऑफ रिस्पिरेशन विल बी डाउन या स्लो डाउन, देन इट विल कॉल पाश्चर इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट का मतलब समझ में आया, इस वर्ड का मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अगर रेट ऑफ रिस्पिरेशन स्लो हो जाए तो उसे पाश्चर इफेक्ट कहते हैं। समझ गए? चलो खत्म हो गया आपका, आज की क्लास यहाँ खत्म हो गई। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे रिस्पिरेशन की प्रोसेस स्टेप्स, कैसे कैसे रिस्पिरेशन के स्टेप हैं एक एक करके। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा रिस्पिरेशन चैप्टर का। एक्चुअल चैप्टर अब कल से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, समझते जाओगे तो समझ में पूरा आएगा, या तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आएगा ये वाला समझ में, या बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे खराब चैप्टर भी हो सकता है आपका ये सबसे आसान चैप्टर हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप समझते कैसे हो। समझ में आएगा तो पूरा आ जाएगा ये चैप्टर, वरना बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। एक भी क्लास मिस हुई बीच की तो आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, नॉट अ सिंगल लाइन, ऐसा इतना बुरा चैप्टर है ये। तो कल से चैप्टर को हम रेगुलर तरीके से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। फिर आज इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, कल से चैप्टर तो कल से चैप्टर स्टार्ट हो रहा। कल से कोई भी क्लास मिस नहीं करना, रिकॉर्डिंग्स नहीं देंगे हम, किसी को किसी इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो हमसे मांगेंगे तो हम उनको रिकॉर्डिंग देंगे, सिर्फ उन बच्चों को, ठीक है? जो जानबूझ के नहीं आते हैं ऐसे बच्चों को नहीं देने वाले हम। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। अब भूषण आज कर क्या लिया अपने मोबाइल को, तुम्हारे मोबाइल से आवाजें क्यों आ रही हैं अजीब अजीब सी जब चालू करता है माइक तो? ओह